ये कभी इंडिया में चलाई नहीं, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं, बढ़िया सी सिडैन सी कार है, अभी इस पे क्लीनिंग व्लीनिंग करवाना है पूरी प्रॉपर। यहाँ से एक बार पाजी नाम दिखाना, सिडैन है ये एंट्री लेवल सिडैन ही है, मालिबू करके समथिंग नाम है, और पूरा प्रॉपर है, ब्लैक शीशे यहाँ पे लीगल है, सब बहुत बढ़िया, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है ना दुबई में। ना टैक्सी लेना बहुत ही महंगा और मुश्किलों भरा काम है, आपको हर जगह रुक रुक के टैक्सी लेनी पड़ेगी और वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ज़्यादा पैसे हैं तो ऐसी कार्स भी, ये देख रहे हो ये भी आपको एज आ मतलब रेंटेड कार मिल जाएगी। तो हम क्या करें, मैं रेंट कार ले रहा हूँ यहाँ से, अल रफेल जो भी है, तो इसके अंदर अल रफाया तो रेंट पे लेने के लिए ना क्या होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कार ड्राइव कर सके, जिसके पास में या तो इंटरनेशनल लाइसेंस हो या फिर दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो समथिंग लाइक दैट इस टाइप का हो रहा है यहाँ पे फॉर्मेलिटी। सी दिस काइंड ऑफ, ये होना चाहिए आपके पास ना लाइसेंस होना चाहिए, तो या तो इंटरनेशनल लाइसेंस या दुबई लाइसेंस, मतलब इस इन कंट्रीज में चलाने के लिए, वरना ड्राइविंग सीट पर बैठ भी नहीं सकते, कुछ इस टाइप का ये फॉर्मेलिटी है। बाकी पैसे हैं, अभी मैं पैसे दिखा देता हूँ कि कितने हमने दिए हैं। तो मेरे को जो अभी पड़ रही है ये सिर्फ 10 डेज के लिए, और वो भी डिस्काउंट ये पड़ रही है, कहाँ लिखा है अमाउंट, 2360 दिरहम की ये पड़ रही है। 2360 दिरहम कितना हो गया, 23 रुपए से इसको, एक बार रिसिप्ट दोबारा से दिखा दे प्लीज, 23 रुपए से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, यस, तो इसको 23 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 53,000, यस, सिर्फ 10 दिन के दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो अगर क्योंकि हमें डील में मिली है इसलिए 53,000 है, लेकिन अगर डील में नहीं मिलेगी ना तो लाख रुपए भी दे सकते हो आप, या फिर बड़ी कार, और अपनी कार जो है ना अब वो क्लीन हो रही है, मैं दिखाऊँ उसको, ये कार हमने ली है, ये शेवरले की मालिबू, ये कभी इंडिया में चलाई नहीं, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं, बढ़िया सी सिडैन सी कार है, अभी इस पे क्लीनिंग व्लीनिंग करवाना है पूरी प्रॉपर। यहाँ से एक बार पाजी नाम दिखाना, सिडैन है ये एंट्री लेवल सिडैन ही है, मालिबू करके समथिंग नाम है, और पूरा प्रॉपर है, ब्लैक शीशे यहाँ पे लीगल है, सब बहुत बढ़िया, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है ना, अब वैसा वाला नहीं है कि आप ब्लैक शीशे लगा लिए चलाना है, पूरा प्रॉपर देखो पीछे से कैसा है ना, फास्ट बैक टाइप डिजाइन है। इनफैक्ट ये अगर एक बारी इसको ऐसे भी दिखा दूं ना, तो अंदर से सारा का सारा ब्लैक इंटीरियर पाजी, भी तो खैर कुछ आएगा नहीं, लेकिन खूबसूरत तो है ही अंदर से भी, एसी वेसी फुल टू है बढ़िया करके। तो जी वॉश तो हो गई हमारी गाड़ी, और देखो हमें क्या मिला है, ऐसे वाले वेरिएंट भी शेवी पता नहीं क्यों चले गए शेवरले इंडिया से, और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी बना दी, LT पीछे लिखा हुआ, फास्ट बैक सा डिजाइन है, खूबसूरत सी लग रही है, मालिबू कार का नाम है, और इस वाले एंगल से अगर दिखाए ना तो बहुत ही प्रीमियम सा इसका है ये फास्ट बैक डिजाइन, काफी अच्छी सी है। एक बार दिखाऊं, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, जैसे ये इसकी की है, वैसे तो नॉर्मल सी मर्सिडीज जैसी की है, लेकिन ये शेवरले की है, अगर इसको ओपन किया जाए तो कुछ इंटीरियर इसका ऐसा है जो हमने रेंट पे कार ली है, ऑटोमेटेड ही होती है यहाँ पे, कोई मैनुअल कार नहीं है। और एक और चीज बता दूं, ये ना रेंटेड कार में ना एक रूल बनाना है हम सबको, सबसे पहले चला के चेक कर लो, एसी चेक कर लो, कोई कमी डैशिंग लग रहे हो आप, डैशिंग लग रही थी, अच्छी लग रही थी, ये मालिबू कार जैसी यार, ये ऐसी कार अगर आ जाए ना, बड़ी प्यारी सी कार है, इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है, अभी तो इसके बारे में बताऊंगा। तो अब जो है ये तो हमने ले लिया रेंट पे, लेकिन अब चलाओगे कैसे इसको, उसमें ना बहुत सारे रूल्स हैं, दुबई के अंदर गाड़ी कैसे चलाए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कहाँ मोड़नी कहाँ नहीं मोड़नी, कौन सी लाइट पर रुकना कौन सी पर नहीं रुकना, और कहाँ पे शुरता चाचा जी से बचना है कहाँ, हाँ। उसके लिए हम चलते हैं हमारे हुसनैन भाई के पास में, जो ये कार ड्राइव करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, आप बैठ जाओ उधर। तो ऐसा है दुबई में ना कार रेंट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी नहीं खर्चीली बात है, नोट ज्यादा है तो ले लो, बट हम क्या कर रहे हैं, हम कार बाय कर रहे हैं, ऐसा डिसीजन लिया अभी कि कार ही खरीद लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल डलवाएंगे और थोड़ा बहुत काम हो जाएगा। पाजी कुछ इनपुट दो इसमें कि हम कार रेंट करें या बाय करें, क्या सही क्या सही रहेगा। हम कार बाय करेंगे, क्योंकि जोंगा जब अपनी खरीद लो ना तो उसको चलाने का एक तो मजा अलग है, मजा अलग है, और दूसरी चीज अगर आपको सही में आपने पैसे बचाने हैं, कहीं भी पैसे बचाने हैं, पैसे तो, बचाने हैं रेंट के, क्योंकि रेंट पे अगर आप लेते हो तो पर डे आपको 120-130 दिरहम पड़ेगी। अच्छा चलो एक और बात है कि आपकी जैसी जो भी कार है ना, ये एक एसेट भी बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कभी भी जाना पड़ सकता है। जी जी है बिल्कुल, रेंट पे कार होगी ना उसमें तो बहुत इशू है भाई, और दुबई ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो कार बहुत बेटर है, और
पानी से जो आपने बात सुनी थी ना कि पानी से सस्ता पेट्रोल है, वो ऐसा नहीं, वो हकीकत है यहाँ पे। वैसे इतना पानी सस्ता तो नहीं ना यहाँ पे, है 60 रुपए लीटर है। नहीं यहाँ पे अगर आप पानी की बॉटल लेते हो कोई अच्छी वाली तो वो तकरीबन 4 से 5 दिरहम की आती है। अच्छा, बट पेट्रोल हमारा 3.25 दिरहम में 1 लीटर आ जाता है। इन दैट केस वो सस्ता है, पानी से सस्ता है। और जैसे हमने क्या किया, एक गलती की कि हमने पहले एक शूटिंग के लिए, खैर गलती नहीं है हमारी, एसेट ही है, तो हमने कुछ ज्वेलरी खरीद ली है डायमंड वाली कुछ इस टाइप से, ये बहुत ही सेक्सी लग रही है मेरे हाथों में। तो अब पता नहीं कुछ लोगों को समझ आ रही नहीं आ रही होगी, हमने एक रिकॉर्डिंग डिवाइस खरीद लिया iPhone 14 Pro Max, दुबई आया तो फोन नहीं लिया यार, ऐसा कैसे हो गया है ना। तो अब यहाँ पे हमारे जो हुसनैन भाई हैं उनकी एक बहुत बड़ी डील क्रैक होने वाली है, वो डील क्रैक कर ले फिर आपको हुसनैन भाई से एक बार मिलाते हैं। Hi bro. Oh man. Hi, congratulations. Thank you very much. And he's Husnain bhai, one of the biggest businessmen in Dubai. Husnain bhai, please sit and explain something for the business ki how can someone start their business in Dubai. Please explain. First of all, you guys have to make your mind only. Yes. And what business you want to do? How to do? Baji, speak in Hindi. Inka accent bahut acha hai Hindi mein. अच्छा, सबसे पहले आपने बिजनेस के लिए अपना माइंड रेडी करना है, उसके बाद आपने क्या करना है वो थोड़ा बहुत आप अपना बैकअप अपने पास रखें और यहाँ पे छोटे पैमाने से स्टार्ट करें। और यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। यानी कि आप जैसे आप इंडिया में बोलते हैं कि मुंबई जो है वो ख्वाबों की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, मतलब जो भी आप सोचो इससे ज्यादा, सेम थिंग इन दुबई। दुबई भी लाइक मतलब कि आप जो सोचे आप जो सोचे वो कर सकते हैं। और हुसनैन भाई का ना यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन लोगों का एक ग्रुप है, ऐसे ऐसे डेडिकेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सब के हम बना के आपको दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। ये है हमारा सेकंड डे यहाँ पे काम करने का। बेसिकली न्यू कंट्री में आके सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है, तो मैं कर रहा हूँ, और मैं अगर फेल होता हूँ तो आपको भी पता चलेगा, मैं अगर पास होता हूँ आपको भी पता चलेगा। तो ना कुछ बिजनेस ही सही आके वो हम डिस्कस करते हैं कि जैसे देखो बाहर चलते हैं, तो ये जो आप सामने बिल्डिंग देखोगे इसको अगर ओपन किया जाए तो कुछ इस टाइप से काफ़ी सारी तरीके की और काम हो सकते हैं। चाहो तो अगर आपको इंडिया से दुबई में जॉब नहीं मिल रही ना तो यहाँ पे आ जाओ 2 महीने का वीज़ा लेके, अगर कैपेबल हो, स्किल्स हैं, तो सामने देखो कितनी सारी कंपनीज हैं, यू कैन ज्वाइन देम। तो वीज़ा आसानी से मिल जाता है भाई? वीज़ा तो कर लेना पड़ेगा ना यार, अगर एफर्ट करने तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बाय चांस मान लिया आपका जॉब में नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करो, पहले सर्वाइवल ढूंढो। ये देखो नीचे जो स्टोर्स हैं, ये स्टोर्स सारे लोगों को रखते हैं, और इनमें ना सी ग्रोसरी स्टोर्स में आराम से नौकरी मिल जाती है आराम से। पहले वेरीफाई किया जाता है, वो वेरिफिकेशन करा लो, कुछ नहीं होता, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस आपको यहाँ पे हिंदी उर्दू। और ये मुझे ना कुछ रेजिडेंसी भी नजर आ रही है स्टोर के ऊपर, इसका क्या है? ये रहने वाला सीन शॉट है ना, अगर सस्ते में भी रह सकते हो, हम तो महंगे होटल में रह रहे हैं, तो हम क्या, हमारे साथ क्या सीन था, हम थोड़ा सा लेके आए थे पैसा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो। बाकी हम जिस तरीके से कर रहे हैं, हम मिनिमम खर्चे के अंदर ही करेंगे, तो उसमें क्या है कि ये जो स्टोर्स है ना, इस चीज के अंदर आपको हिंदी इंग्लिश और थोड़ी सी उर्दू आनी चाहिए, उर्दू हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए, है ना, अरेबिक आना जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर यहाँ के कस्टमर इंग्लिश हिंदी या उर्दू ही बोलेंगे। तो हम जा रहे हैं आज शूट करने। अब आगे आगे क्या होता है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो ये है कि ये देख रहे हो रोड्स यहाँ पे चलती हैं बहुत फास्ट, सुपर फास्ट कार, लंबोर्गिनी, फेरारी, और रोड पे नॉर्मली ऐसी फिगी पड़ी रहती है। तो हमारे एक फ्रेंड है, उनसे मिलवाते हैं।